का इंतजार आया हो, किसी ने 1000 साल, किसी ने 500 साल, किसी ने 800 साल, किसी ने 1300 साल, महबूब तो नहीं आया। बोलो महबूब, इज़राइल और इस्लाम आगे ऊंचा होगा। अभी अल्लाह का हबीब तो नहीं आया, उन्होंने कहा तुम्हारी ड्यूटी मुकम्मल है, वो जाने हबीब जाने। सारे नबी इंतजार करते करते चले गए। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा आएगा मेरे साथ कैदबाद के कहना। आदम अलैहिस्सलाम ने जब विशाल का वक्त आया और आपको जमा करके कहा मैं जा रहा हूँ, जो अजमत वाला रसूल आए आए मुझे यहाँ से, बोलो आए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जरूर आएगा, बोलो आए। शीशे से शराब के विशाल का वक्त आया, आपने और आपको जमा करके कहा अजमत वाला रसूल मेरे जमाने में नहीं आया पर आए। सलाम का जमाना आया, विशाल का वक्त है, अपनी उम्मत को जमा करके कहा तो अजमत वाला रसूल नहीं आया पर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आएगा, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा आएगा, यारो सारे नबी आए चले गए, नबी नहीं आया। तब तेरे नबी आए, अल्लाह ने नाम मकानों पे बुलाया तो मस्जिद अक्सा में सारे नबियों को जमा कर दिए। और मेरे नबी का इंतजार करने वालों आओ दीदार कर लो, कलमा भी पढ़ लो, कलमा भी तवज्जो चाहूंगा, कलमा भी। सारे नबी मेरे नबी के उम्मती है, मेरा नबी किसी नबी का उम्मती नहीं, किसी नबी का उम्मती। अल्लाह अपनी वहदानियत में ला शरीक है, मेरा नबी खत्मे नबूवत में ला शरीक है, वो वहदानियत में ला शरीक है। अल्लाह अकबर, सारे पता चला जो महफिले से जाके इंतजार करते हैं ना, भले दुनिया से चले भी जाए तो दीदार फिर भी हो जाता है। दीदार कर रही, बोलो दीदार कर रही। आखिरी फूल राणा मोहम्मद सलीम भाई मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, इनके तवस्सुल से पेश कर रहा हूँ। नबियों को बुलाकर दीदार कराया, अल्लामा साहब के कदमों को चूम के बात कह रहा हूँ। नबियों को बुलाया, कोई पहले आसमान, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई चौथे, पांचवें पर, जहां जहां उनके मनासिब मकाम थे, कोई अपने मजारों में थे, सबको बुला लिया। अल्लाह बुलाने पे कादिर है या नहीं, मेराज वाली रात बुलाया या नहीं बुलाया, सारे नबी आ गए। पर ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, ए मेरे रहीम रब, करीम रब, तेरा कितना करम है, हम गुनाहगारों पर हमारी मेरे गुलामों में आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मुझे याद करते रहे, मेरी महफिल से जाते रहे, मेरी रातें पढ़ते रहे, इंतजार करते करते चले आए। अगर जिंदगी में नसीब में नहीं था तमाम मकातिब फिकर के उलमा, उलमा शिया, उलमा देवबंद, उलमा बरेली, उलमा अहले हदीस, तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाते, दीदार कराते, दीदार कराते, गजबत के बोलो दीदार कराते हैं। पर पहचानता वही है जिसने हमेशा जिक्र किया होगा, जो जिसने नहीं जिक्र किया वो नहीं पहचानेगा। जिसने महफिले सजाई के तेरे जिया कोई नहीं ते। सबने जो भी दुनिया में आया है सबने कब्र में जाना है, वो कब्र में दर्जा नहीं, जो नहीं जाना चाहते चुप करके बैठे रहो, जाना पड़ेगा, बोलो जाना, जाएंगे सब जाएंगे, कोई रहा नहीं, सब जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सामने मेरे आका होंगे, फरिश्ते पूछे के सच्चे के बारे में क्या कहता है, दो फुकरी है एक फिक्र मेरे जैसा, ये भी बशर मैं भी बशर, वो भी खाता है मैं भी खाता हूँ, उसकी बीवी मेरी बीवी, उसके बच्चे मेरे बच्चे, उसका खानदान मेरा खानदान, बस वो बड़ा भाई मैं छोटा भाई, और एक फिक्र क्या होगी तेरे जिया आया।
پرانے مدینہ کا 28 سال سے ایک عورت آ گئی ہے ان کی بارگاہ میں کیس لے کے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تیری کمر ایسی ہے جیسے میری ماں کی، تیرا سینہ ایسے جیسے میری ماں کا، تیرا چہرہ ایسے جیسے میری ماں کا، طلاق ہو جاتی ہے، بیوی حرام ہو جاتا ہے. بولو بیوی دو سفر، بیوی دو سفر، بیوی حرام ہو جاتا ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی، تیری کمر ایسی ہے، تیرا سینہ ایسا ہے، تیرا چہرہ ایسا ہے. اب عورت تخلیق کے اعتبار سے تو ایک جیسی ہے، خلقت کے اعتبار سے تو ایک جیسی ہے، مرتبے کے اعتبار سے ایک جیسی، مقام کے اعتبار سے ایک جیسی. ماں ماں ہے، بیوی بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے. اللہ اکبر. اس نے کہہ دیا، میرے آقا نے فرمایا اب تم حرام ہو، اور اپنے سر پہ ہاتھ مارنے لگ گئی.